नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मनवाणी 1920 में। और रोज की तरह मैं मनु हाजिर हूँ आपके सपनों की समस्याओं का हल लेकर। दोस्तों, सपनों की इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं कि सपने में यदि आपने चाय से भरा हुआ कप देखा है तो फिर इस सपने को देखने का मतलब क्या होता है। दोस्तों, यह चाय से भरा हुआ कप जो है आप अपने घर में देख सकते हैं, किसी दूसरे के यहाँ घर में देख सकते हैं या कहीं अन्यत्र होटल वगैरह पर भी देख सकते हैं। दोस्तों, यह चाय का कप चाहे आप ऐसे हो जैसे कुल्हड़ टाइप से हो उसमें भी आप देख सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि उसमें मतलब जो साइड में पकड़ने वाला डंडा लगा होता है उस टाइप का भी हो सकता है, या फिर किसी अन्य तरीके का हो सकता है। दोस्तों, चाय चाहे दूध की हो, चाहे ब्लैक टी हो, चाहे लेमन टी हो, कोई सी भी हो सकती है। यदि आपने इस सपने में चाय से भरा हुआ कप देख लिया है तो फिर सपनों को देखने का मतलब क्या होता है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, चाहे सपना किसी भी स्त्री ने देखा हो या फिर किसी पुरुष ने देखा हो, हम सबके लिए इस सपने की व्याख्या कर रहे हैं। दोस्तों, इस सपने का मतलब बताने से पहले एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न रहता है कि सपने में जो चीज़ बताई गई मेरे जीवन में वो घटित क्यों नहीं हुई। देखिए दोस्तों, होता क्या है, वास्तव में यदि किसी भी सपने का फल हमको शीघ्र मिल जाता है तब तो हम उस सपने को सत्य मान लेते हैं। यहीं पर यदि किसी सपने का फल थोड़ा विलंब से मिलता है तब हम उसको महसूस नहीं कर पाते और उस सपने को असत्य मान लेते हैं। जबकि मित्रों, जो सपने होते हैं इनको रात्र में किस समय आप देख रहे हैं उनके फलित होने की जो अवधि होती है काफ़ी हद तक उस बात पर भी निर्भर करती है। क्योंकि मित्रों, जब आप रात में 12 बजे के आसपास कोई सपना देख रहे हैं तो इस सपने को फलित होने में 6 महीने से 1 साल तक का वक्त लग जाता है। यहीं पर यदि आप 12 बजे से 3 बजे के बीच में कोई सपना देखते हैं तो यह सपना जो होता है 4 से 6 महीने में फलित होता है। यहीं पर यदि आप जो है 3 बजे से 4 बजे के बीच में या 4:15 के आसपास तक कोई सपना देखते हैं तो यह सपना 1 से 1.5 महीने में फलित होता है। यहीं पर यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठने से जस्ट पहले कोई सपना देख रहे हैं तो यह सपना 24 से 48 घंटे में फलित हो जाता है, फिर वो चाहे शुभ हो या फिर अशुभ। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं कि सपने में यदि आपने चाय से भरा हुआ कप देखा है तो फिर इस सपने को देखने का मतलब क्या होता है। दोस्तों, भारतीय जो स्वप्न विज्ञान है उसके अनुसार यदि सपने में किसी भी व्यक्ति ने चाय से भरा हुआ कप देखा है तो यह सपना देखना उसके लिए एक प्रकार से शुभ होता है। दोस्तों, सपने में चाय से भरा हुआ कप देखना कोई अशुभ सपना नहीं होता है, अतः इस सपने को देखने के पश्चात कोई नकारात्मक विचार मन में नहीं लाना चाहिए। दोस्तों, स्वप्न विज्ञान में ऐसा बतलाया गया है कि यदि आपने सपने चाय से भरा हुआ कप देखा है तो यह सपना आपके मान सम्मान में होने वाली बढ़ोतरी को दर्शाता है, यानी कि समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आप जिस क्षेत्र में भी कार्यरत हैं वहाँ पर आपका मान सम्मान बढ़ेगा और हो सकता है आपको वहाँ पर प्रमोशन भी मिल जाए। इसी के साथ यह सपना जो होता है आपके पारिवारिक रिश्तों में भी जो है खुशियाँ आने का प्रतीक होता है, पारिवारिक रिश्तों में जो एक दूसरे के प्रति मान सम्मान बढ़ने का प्रतीक होता है। साथ ही साथ मतलब पारिवारिक रिश्तों में जो है आपका जो है विशेष सम्मान होगा, ये आपका नाम होगा, यह सपना इस बात की तरफ इशारा करता है। और आप यदि किसी भी क्षेत्र में कार्यरत हैं वहाँ पर कोई कार्य कर रहे हैं तो आपके अच्छे कार्यों के लिए आपको चारों ओर से इसकी सराहना मिलेगी, इसका प्रोत्साहन मिलेगा। यानी कि कुल मिलाकर यह सपना आपके भविष्य में आपके जीवन में होने वाले सकारात्मक बदलावों की तरफ इशारा करता है, साथ ही साथ परिवार में आने वाली खुशियों का भी सूचक है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मैंने ये जो जानकारी दी आपको पसंद आई होगी और आप हमारे इस वीडियो को लाइक अवश्य करेंगे। और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो फिर आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि भविष्य में आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन शीघ्र आप तक पहुँच सके। और मित्रों, यदि आप चाहते हैं कि आपका अपना कोई सगा संबंधी भी इस सपने का मतलब जान सके तो फिर आप हमारे इस वीडियो को अपने सगे संबंधियों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। जय श्री राधे मित्रों, ईश्वर आप सबका कल्याण करें।